हेलो चैंपियंस वेलकम टू फैंटेसी क्रिक बॉल एशिया कप 2023 सुपर फोर का चौथा मुकाबला तगड़ा मैच एशिया कप की दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें होने वाली हैं आमने सामने इंडिया और श्रीलंका के बीच ये मैच खेला जाने वाला है गाइस कौन बनेगा विनर कौन मारेगा बाजी किस तरह से इंडिया फिर से या तो मुझे लग रहा है श्रीलंका को क्या बैकफुट पे पाकिस्तान की तरह ढकेलने वाली क्योंकि रिसेंट अभी कल देखो आपने इतने बड़े अंतर से मैच जीत के आई है वो भी पाकिस्तान जैसी इतनी स्ट्रांग टीम से दो रनों का अंदर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे रहने वाला है इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था के राहुल ने वो कमी कर दी है पूरी जिस तरह से पहले मैच में आते ही जड़ा है शतक क्या फिर से विराट के बल्ले से शतक निकलने वाला है या फिर पथराना और तीक्षणा की बॉलिंग पड़ने वाली है भारी मुमराह को कितने विकेट मिलने वाले हैं सिराज क्या फिर से रह जाएंगे खाली और कुलदीप यादव क्या फिर से धमाल मचाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आपके चल रहे होंगे मेरे भी चल रहे हैं तो गाइज यहाँ पर हम आपको फुल एनालिसिस करके देने वाले स्मॉल लीग की टीम आएगी टेलीग्राम पे बैक टू बैक विनिंग करा रही टीम आप जाके चेक करो करोग लास्ट मैच हमने विमेन्स मैच की टीम आपको दी थी वन साइडेड विनिंग कराई है वन साइडेड विनिंग कराई है ऐसे ऐसे प्लेयर को मैं कहा ट्रम्प प्लेयर आपको प्रोवाइड करते हैं स्मॉल लीग की टीम में जो किसी के पास नहीं होते तो गाइज वो टीम टेलीग्राम पे आती है उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में तो फटाफट जाओ जो ज्वाइन कर लो ज्वाइन करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं जाके देखना जरूर चेक जरूर करना कि हमने कितनी विनिंग कराई और हमारी टीम ने कैसा परफॉर्म किया ठीक है गाइज हालांकि यहाँ बात करेंगे कैसी होगी पिच किसको फेवर करने वाली है कौन कितने रन बनाने वाला है कौन कितने विकेट निकालेगा कौन बनेगा ट्रम्प प्लेयर इस बड़े मैच का इसके अलावा जीएल में आप कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो और सबसे बड़ा क्वेश्चन कैप्टन हुआ इस कैप्टन किसको बनाना है तो ये सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं स्टैट्स के अकॉर्डिंग पूरी टीम बनाने वाले हैं यही आपको बना के दिखाएंगे बस वीडियो में बने रहिएगा आपको एक छोटा सा काम करना है चैनल को कर देना है सब्सक्राइब लाइक कर देना है यार ये जल्दी से एक सेकंड लगता है फटाक से कर दो लाइक गिव अवे स्पेशल वीडियो रहने वाली है तो दो इजी क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कुछ नहीं करना है सिर्फ दो कंडीशन आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हो दूसरी कंडीशन आपको टेलीग्राम का मेंबर होना जरूरी है जिसमें आपका ही फायदा है गाइज देख लो ये तगड़ा मैच 12 सितंबर को यहाँ पर तीन बजे दोपहर में होने वाला है और आपको टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है ना यहाँ नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब उसके जस्ट ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ मोर बटन का जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे फ़ोन में ओपन हो जाएगा ये यह पेज यहाँ पर दिखेगा ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम के साथ मेरे चैनल की लिंक लिंक पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन में मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा यहाँ से आपको कर लेना है ज्वाइन बाकी आप सर्च भी कर सकते हो फैंटेसी क्रिक बॉल ऑफिशियल बिना गैप दिया आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो लेकिन गाइस प्रायोरिटी देना कि लिंक से ज्वाइन करना सबसे अच्छा वही होता है क्योंकि आप किसी गलत चैनल में नहीं ज्वाइन पाते क्योंकि आजकल हर किसी के नाम के एक फ्रॉड चैनल बहुत सारे बने होते हैं जो आपको झूठे झूठे ग्रैंड लीग के नाम पे वादे करके आपसे पैसे लेते हो तो उन चक्रों में नहीं पड़ना और ये एशिया कप कहाँ खेलना है तो ये एशिया कप खेलना है आपको मेरे साथ और मैं खेल रही हूँ बल्लेबाजी ऐप पे क्योंकि गाइस कुछ नया अवतार लेके आने वाला है बल्लेबाजी आपके एशिया कप फाइनल में पूरा कंप्लीटली चेंज हो के क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा लेकिन देखते हैं जो भी होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो गाइज यहाँ पर खेलना तो पहले तो आपको तीन लाख गारंटीड विनिंग होने वाली है इसके साथ ही साथ आप लीडर बोर्ड भी दे सकते हो आई आई फोन फोर यहाँ पर आई फोन फोर्टीन ऐपल ए वॉच एंड एप्पल एयर इतने कुछ चीज़ें आपको फ्री मिल रही है और कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है आप बहुत ईजिली जीत सकते हो अगर इसके बाद भी दिमाग में आता है कि क्यों खेलना है बल्लेबाजी पे तो गाइज देखो फैंटेसी तो आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हो फैंटेसी टीम तो बहुत ज़्यादा बना लोगे लेकिन बल्लेबाजी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है जैसे आप प्लेयर्स के स्टॉक खरीद सकते हो आपको अगर लग रहा है इस मैच में अगर विराट कोहली 62 से अच्छा करेंगे या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुरा की बात कर ले या फिर रो, रोहित की बात कर ले जिस भी प्लेयर को आपको श्योरिटी है कि अच्छा कर सकते हैं उसके आप ट्रेड कर लो यार यहाँ पर स्टॉक खरीद के रख लो बहुत फायदा होता है मैं सच बता रही हूँ इसमें बहुत फायदा है आप टीम तो बनाओगे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ही है तो आपको लग ही रहा होगा ना कि विराट अच्छा करेगा तो स्टॉक भी खरीद लो मज़ा आएगा बहुत सारी अर्निंग हो जाएगी लॉन्ग और शॉर्ट करना और कुछ नहीं करना इसके अलावा देखो आपको एक रुपये में पाँच हज़ार जीतने का मौका है तो पैसा नहीं भी है तो कोई बात नहीं बल्लेबाजी आपको एक रुपये में पाँच हज़ार जीतने का मौका दे रहा है इसके साथ ही साथ जब मैच स्टार्ट हो जाता है मैच के बीच में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के देख लो आप कि क्या इंडिया श्रीलंका के खिलाफ ये ओडीआई मैच जीतने वाली है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स करना है ट्रू या फॉल्स करके पैसे कमाओ तो ये बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जगह जो आपको किसी भी अदर ऐप पे नहीं मिलने वाले हालांकि बात अभी मैच की करेंगे ये मुकाबला खेला जाने वाला आर प्रेमा स्टेडियम कोलंबो में रिसेंटली सारे मैचेस अब तो इसी पे खेले गए लास्ट इंडिया पाकिस्तान में यही खेला गया था और अब जितने भी मैच बचे सारे मैच कोलंबो में ही खेले जाने वाले वेदर कैसा है? आप सबको पता है कि वेदर अच्छा नहीं है लेकिन गाइज देखो मैचेस हो रहे कल भी पूरा प्रॉपर मैच हुआ है जितना और काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिला है तो यहाँ पर यही रहता है अगर वेदर खराब है तो नहीं लेकिन सही रहेगा तो अच्छी खासी धूप निकलेगी और पूरा मैच होगा मज़ा आएगा गाइस बैटिंग फ्रेंडली पिच पीछ है पेसर को तो मदद थी लेकिन अब धीरे धीरे पिछच देखो एक आध दो मैच खेले जा चुके हैं ना तो यहाँ पर स्पिनर को अब धीरे धीरे ज्यादा मदद मिल रही है जिस तरह से लास्ट मैच में कुलदीप यादव ने यहाँ पर दिखाया है जलवा भी खेरा अपना तो चलो इस स्टार्ट की बात कर लेते हैं टोटल देखो पिच पे वन थर्टी वन मैच खेले जा चुके हैं फोर्स बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादा मैच जीते क्योंकि बैटिंग पिच है जैसे मैंने बताया कल भी देखो इंडिया ने साढ़े से ऊपर का रन टोका है मतलब पाकिस्तान की गेंदबाजी इतनी तगड़ी लेकिन हालांकि बहुत मजा आया मैच बहुत अच्छा था एवरेज स्कोर भी देखो अच्छा है टू के ऊपर है हाएस्ट स्कोर इंडिया ने बनाया तीन पे पाँच है लोएस्ट स्कोर नीदरलैंड ने बनाया छियासी पे दस है यार इंडिया को ये पिच पसंद है और लास्ट मैच में देखने में समझ में आ गया स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे दो सौ से नीचे का स्कोर एक बार दो से दो सौ बार ढाई से दो सौ और देख लो तीन प्लस का स्कोर भी बाईस बार बन चुका है पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो स्पिनर को ज्यादा मदद है एज कंपेयर टू पेसर हालांकि अभी हम रीसेंट कुछ मैच देखने वाले हैं जो इस पिच पे अभी तुरंत तुरंत खेले गए हैं तो लास्ट मैच इंडिया पाकिस्तान खेला गया था जिसमें बारह विकेटें गिरी थी चार विकेटें आपकी मिली थी पेसर को और छह विकेटें मिली थी आपके स्पिनर को जिसमें से ये जो पांच विकेट है ना अकेले कुलदीप ने लिया था एक और मैच देख लेते हैं गए श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो खेला गया था यहाँ पर देखो 19 विकटें गिरी थी 19 में से आपकी 14 विकटें मिली थी पेसर को और चार विकटें मिली थी स्पिनर को सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद है आप जैसा देख पा रहे होगे ना ये चीज़ याद रखना अगर इंडिया पहले बैटिंग करने आती है तो कुलदीप को टीम में रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान जो मैच खेला गया था गाइज अगर उसकी बात करें यहाँ पर 18 विकेट गिरी थी यहाँ पर 9 विकेट मिली थी पेसर को और यहाँ पर 8 विकेट मिली है स्पिनर को यहाँ भी आप देख लो सेकेंड इनिंग में 6 विकेट मिली है तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर ज़्यादा कारीगर साबित हो रहा है इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर अगर इंडिया पहले बैटिंग आती है तो आप कन्फर्म कुलदीप को रख लेना ग्रैंड लीग में आप सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो ठीक है तो तो चलिए इतनी बातें मैंने आपको समझा दी है लेकिन किसकी बैटिंग बॉलिंग में क्या करना है टॉस पे कितना कुछ डिपेंड करने वाला है ये भी आपको बताऊंगी इंडिया के प्लेइंग इलेवन ओपन करने आएंगे रोहित शर्मा उनका साथ देते हुए दिखेंगे शुभमन गिल बैक टू बैक नजर आएंगे विराट कोहली के राहुल ईशान किशन हार्दिक पांड्या रविन्द्र जडेजा शार्दुल ठाकुर कुलदीप यादव बुमराह एंड सिराज कंप्लीटली प्लेइंग इलेवन यही रहने वाली है मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि इंडिया कोई भी चेंज करने वाली है क्योंकि आप काफ़ी क्लोज आ चुके हैं एशिया कप ऑलमोस्ट हम जीतने की इतनी बड़े दावेदारी पेश कर चुके हैं तो यहाँ पर प्लेइंग इलेवन यही रहने वाली है इन सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स आपको बताऊंगी गाइफ रीसेंट क्या फॉर्म चल रही है श्रीलंका के खिलाफ कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है इसके अलावा वेन्यू पे किसके रिकॉर्ड अच्छे हैं तो ये सारी बातें चलिए आगे करते हैं जिससे टीम बनाना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और स्पेशली आपकी ग्रैंड लीग की टीम बहुत ईजिली बनेगी रोहित शर्मा की आप रिसेंटली स्टार्ट देखो आखिरी दोनों मैच में अच्छा परफॉर्म किया है श्रीलंका के खिलाफ 48 मैच में 1800 से ऊपर रन अच्छे स्ट्राइक रेट भी है वेन्यू पे 10 मैच खेला है दो रन बनाया है शुभमन गिल की रीसेंट फॉर्म देखो बैक टू बैक दो पचास सा ये भी लगा चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ तीन मैच में 200 से ऊपर रन मार चुके हैं और यहाँ पर 122 का स्ट्राइक रेट है, है। शुभमन गिल की फॉर्म श्रीलंका के खिलाफ आप देख रहे हो कितनी जबरदस्त है वेन्यू पे एक मैच खेला है फिफ्टी रन बनाया है एक के स्ट्राइक रेट काफी तेज खेल रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं इसके अलावा विराट कोहली विराट कोहली की फॉर्म तो भाई सबके खिलाफ चलती है उनचास मैच एक्सपीरियंस देखो उनचास मैच पच्चीस से ऊपर रन और ऊपर का स्ट्राइक रेट वेन्यू पे नौ मैच खेला है छे रन निन्यानवे वैसे ऊपर का स्ट्राइक रेट है और ये मतलब अगर इंडिया पहले बैटिंग आती है ना तो आप ये तीनों को ही रखना ही पड़ेगा आपको अगर आप किसी को ड्रॉप कर सकते हो थोड़ा रिस्क आपको रोहित पे लेना चाहिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि रोहित पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो जिस तरह केएल राहुल ने लास्ट मैच में जिस तरह परफॉर्मेंस किया है हर कोई जाने वाला है इनके साथ परफॉर्मेंस आप देखो आते ही 111 रन बोर्ड पे लगाया है श्रीलंका के खिलाफ सात मैच में 250 रन बना चुके हैं चौरासी से ऊपर का स्ट्राइक रेट है वेन्यू पे स्टार्स अच्छा है दो मैच खेला है 118 रन मारा है और स्ट्राइक रेट भी सौ से ऊपर का शान की है ईशान किशन की परफॉर्मेंस देखेंगे शान किशन की बैटिंग आएगी कि नहीं ये थोड़ा मुश्किल है ठीक है तो ईशान किशन को थोड़ा डाउट है कि ईशान किशन को टीम में रखना है कि नहीं रखना है हालांकि श्रीलंका के खिलाफ ठीक ठाक स्कोर है स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है वेन्यू पे भी दो मैच खेला साठ रन बनाया पांडे की बात कर लेते हैं सप्ताह लास्ट दो मैच में एक एक विकटें मिल रही है स्टार्टिंग में अगर ओवर करेंगे तो विकेट आएगी श्रीलंका के खिलाफ दस मैच में एक रन बारह विकटे निकाल चुके हैं वेन्यू पे चार मैच खेला है रन पांच विकेट निकाल चुके हैं तो बैटिंग से अब हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी मत सोचना है कि बैटिंग से इस मैच में आपको पॉइंट दिलाएंगे आप देख सकते हो बैटिंग में कुछ भी कमाल की और इतनी नीचे बैटिंग भी आएगी तो बहुत मुश्किल है लेकिन हालांकि श्रीलंका की बॉलिंग अटैक बहुत जबरदस्त है तो कुछ भी हो सकता है जडेजा की बात करेंगे जीरो विकेट जीरो विकेट चौदह रन तीन विकेट आखिरी मैच में विकेट नहीं आई थी श्रीलंका के खिलाफ 26 मैच में तीन रन 25 विकटे वेन्यू पे दो मैच में साठ रन मारा है विकटे नहीं मिली है इनको कुलदीप यादव दो विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट लास्ट मैच में मिली थी पांच विकेट श्रीलंका के खिलाफ आठ मैच में चौदह विकेट ले चुके हैं यहाँ पर चार की से ऊपर की इकोनॉमी वेन्यू पे पांच मैच में दस विकेट ले चुके हैं चार की से ऊपर की इकोनॉमी है तो आप देख लो वेन्यू पे भी ये स्टार्स अच्छे हैं श्रीलंका के खिलाफ भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो कुलदीप यादव को यहाँ पर बॉलिंग अटैक में आप बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना इस बार ऐसी गलती मत करना शार्दुल की बात करेंगे तीन विकेट चार विकेट एक एक विकेट हर मैच में देखो मिल रही है अगर सेफ जाना है तो शार्दुल भी बहुत सेफ है श्रीलंका के खिलाफ लेकिन आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है दो मैच में एक विकेट मिली है और वेन्यू पे भी तीन मैच में दो विकेट तो यहाँ पर शार्दुल को मैं ड्रॉप करने वाली हूँ अपने टीम से गाइज अगर बात करें बुमराह की बुमराह मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे मेरे यहाँ से क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है भाई श्रीलंका के खिलाफ 10 मैच में बाईस विकेटे फोर पॉइंट की इकोनॉमी वेन्यू पे तीन मैच में पांच विकेट है सिराज दो विकेट पांच विकेट तीन विकेट लास्ट मैच में विकेट नहीं आई थी लेकिन श्रीलंका के खिलाफ तीन मैच में नौ विकेटें निकाल चुके हैं फोर पॉइंट सिक्स की इकोनॉमी के साथ वेन्यू पे एक मैच खेला है विकेट नहीं मिली थी ये जो लास्ट वाला मैच खेला था तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से चीजें करनी अगर इंडिया बैटिंग आती है तो जिस तरह मैंने आपको बताया आपकी टीम में शुभमन गिल विराट कोहली के राहुल इम्पॉर्टेंट नेसेसरी ये तो इंग्रेडिएंट रहने वाले हैं लेकिन अगर यहाँ पर बात करें इंडिया पहले बॉलिंग चूज करती है टॉस जीत के तो आपके पास कुलदीप होना चाहिए आपके पास बुमराह होना चाहिए आपके पास हार्दिक पांड्या होना चाहिए ये मुझे दो तीन मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन शार्दुल काफ़ी सेफ रहेंगे यहाँ पर शार्दुल या सिराज में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा अगर स्टैट्स की बात करें तो सिराज के स्टार्स भी ठीक हैं। यहां पर एक्स्ट्रा प्लेयर के स्टार्ट देख लो और कोई चेंज होता है तो आप प्रॉपर स्टार्स आपके पास होने चाहिए बॉलिंग ऑर्डर की बात करेंगे इंडिया की तरफ से पावर प्ले में बॉल डालेंगे शार्दुल हार्दिक सिराज बुमरा मिडिल ओवर में बॉल डालेंगे कुलदीप यादव शार्दुल ठाकुर हार्दिक पांड्या बुमराह जडेजा डेथ में जसप्रीत बुमराह सिराज एंड पांड्या जिसमें से जडेजा अपने पूरे ओवर कराएंगे बुमराह अपने पूरे ओवर कराएंगे सिराज अपने पूरे ओवर कराएंगे कुलदीप अपने पूरे ओवर कराएंगे और इसलिए मैंने कहा कि इंडिया पहले बॉलिंग आती है तो आपके पास कुलदीप और सिराज ये तीन गेंदबाज जरूर रहने चाहिए इसके अलावा जडेजा हमारे पास प्लस में होंगे लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली है लेकिन गैस यहाँ पर हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी काफी अच्छी बॉलिंग कराते हैं श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन की बात करेंगे यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से ओपन आएंगे निशांका डी करुणा रत्न फर्स्ट डाउन बैटिंग आएंगे कुशल मैंडे सदीरा समर विक्रमा चरित असलंका धनंजय डिसिल्वा दसुन सनाका जो कि काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वेला लगे तीक्षणा पथराना एंड रजिता तो प्लेइंग इलेवन श्रीलंका भी अपने बेस्ट इलेवन के साथ उतरेगी कोई भी चेंज नहीं करेगी अभी तक एक भी मैच एशिया कप में नहीं आ रही और एशिया कप में इतिहास रहा है कि इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा सफल टीम श्रीलंका रही है ठीक है सिर्फ एक एक सीजन कम है यहाँ पर तो यहाँ पर बहुत अपना हंड्रेड नी टू हंड्रेड परसेंट श्रीलंका देना चाहेगी और चाहेगी इस मैच में खुद को प्रूफ करना लेकिन प्लेयर स्टार्स के बिना यहाँ टीम कैसे बनाओगे तो गई बात कर लेते हैं यहाँ प्लेयर स्टार्स की कि प्लेयर स्टार्स में किसकी क्या परफॉर्मेंस है निशांका की बात करेंगे रीसेंट फॉर्म अगर आप देखो ना निशांका की तो यहाँ पर ठीक ठाक फॉर्म चल रही है आखिरी दो मैच में चालीस के ऊपर का स्कोर किया इंडिया के अगेंस्ट एक मैच खेला है बहत्तर रन मारा है यहाँ पर स्ट्राइक रेट नब्बे का है वेन्यू पे चार मैच एक सौ बानवे रन इक्यासी के ऊपर का स्ट्राइक रेट है रत्न की बात करेंगे डी रत्न उनचास अट्ठावन ये एक मैच छोड़ दो तो एवरेज परफॉर्मेंस हर मैच में रहती है इंडिया के अगेंस्ट अच्छा फॉर्म नहीं है वे न्यू पे चार मैच में यहाँ पर डी रत्न को आप ड्रॉप कर सकते हो अगर यहाँ पर श्रीलंका चेस करने आती है तो कुशल मैंडेज उनचास बाईस पांच बानवे पचास लास्ट दोनों मैच में बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन इंडिया के खिलाफ इनके भी स्टार्स अच्छे नहीं है नौ मैच में देख लो एक रन तिहत्तर का स्ट्राइक रेट है वेन्यू पे फॉर्म अच्छी है बारह मैच में पाँच रन चौरासी से ऊपर का स्ट्राइक रेट है आगे बात कर लेते हैं गाय यहाँ पर समर विक्रमा की ये भी रिसेंटली अच्छा खेल रहे हैं लास्ट मैच में 93 रन मारा था और हमने टीम में आपको दिया भी था किसी के पास नहीं था हमारे पास प्लस फैक्टर था समर विक्रमा हमने दिया था वो मैच जाके चेक कर लेना टेलीग्राम पे इंडिया के खिलाफ एक मैच में बयालीस रन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है वेन्यू पे दो मैच खेला है वेन्यू पे अच्छा स्ट्राइक रेट है 122 से ऊपर का एक रन मारा है चरित श्रीलंका की बैटिंग आनी कन्फर्म है यहाँ पर इंडिया के खिलाफ हालांकि इनके भी स्टाइल बहुत तगड़ा नहीं है लेकिन वेन्यू पे देखो दस मैच में चार रन मार चुके हैं धनंजय डिसलवा इस मैच के की प्लेयर श्रीलंका की तरफ से बन सकते हैं एक विकेट चालीस रन एक विकेट दो विकेट लास्ट मैच में ना ही रन बनी थी ना ही विकेट मिली थी इंडिया के खिलाफ छह मैच में एक सौ चौबीस रन चार विकेटे वेन्यू पे चौदह मैच में तीन सौ से ऊपर रन मार चुके हैं और ग्यारह विकेटे निकाल चुके हैं तो कहीं देखो इंडिया जिस तरह से बॉलिंग अटैक है ना विकेट कंफर्म है जानी आप नीचे तक समझ सकते हो कि वेला लगे तक बैटिंग आनी ही आनी है पूरे विकेट भी गिर सकती है तो ये चीज समझ के टीम बनाना शनाका को आप अपने टीम में रख सकते हो यहाँ पर अगर किसी इस आप ओपनर को ड्रॉप करते हो क्योंकि सनाका आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट हिला सकते हैं एक्सपीरियंस भी है बारह रन एक विकेट जीरो विकेट चौदह रन एक विकेट पांच रन चौबीस रन तीन विकेट आखिरी मैच में मारा इंडिया के खिलाफ छह मैच में एक सौ छिहत्तर रन तीन विकेट वेन्यू पे तेरह मैच में दो सौ दो रन नौ विकेट निकाल चुके हैं वेला लगे बाईस रन यहाँ पर एक विकेट दो विकेट लास्ट मैच में एक विकेट मिली थी इंडिया के खिलाफ तीन मैच खेला है पैंतीस रन वेन्यू पे तीन मैच खेला है छब्बीस रन तीन विकेट निकाली है तीक्षणा की बात करेंगे जागा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन्दबाजी और आप देखो आखिरी के पांच के पांचों मैच में कंसिस्टेंट है हर मैच में विकेट मिली है और यहाँ पर भी देखो स्पिनर को पिच पे मदद है तो कंफर्म विकेट मिलनी कंफर्म है तीक्षणा को वेन्यू पे पांच मैच में दस विकेट निकाल चुके हैं इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर गाइस हम पथिराना की दो विकेट जीरो विकेट चार विकेट एक विकेट तीन विकेट आखिरी तीन मैच में टोटल आठ विकेटें निकाली है वेन्यू पे एक मैच खेला है तीन विकेट निकाली है रजिता की बात करेंगे लजिता को देखो तो भर के विकेट मिलती है नहीं तो कुछ खास नहीं है इंडिया के खिलाफ हालांकि विकेट अच्छी निकाली है लेकिन बहुत पिटाई भी होती है पांच मैच में आठ विकेटे वेन्यू पे चार मैच में चार है लेकिन गाइज अगर आपको सेफ जाना है तो आपके पास पथिराना और तीचना बेटर ऑप्शन है रिलेटेड अगर मैं कंपेयर करूँ रजिता से तो ठीक है इसके अलावा एक्स्ट्रा प्लेयर के स्टार्स आप देख सकते हो हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कोई चेंज होगा अगर होता है तो आप देख लो यहाँ पर गए बात करेंगे श्रीलंका की बॉलिंग ऑर्डर पावर प्ले में बॉल डालेंगे रजिता डिसिल्वा तीक्षणा मिडिल में वेल लगे तीक्षणा शनाका पथराना डिसिल्वा डेथ में शनाका वेल लगे कसुन रंजिता और पथराना पथराना अपने पूरे ओवर डालेंगे तीक्षणा अपने पूरे ओवर डालेंगे और यही रीजन है कि मैंने कहा आप ये दोनों को रख लेना वेला लगे दस ओवर डालेंगे तो वेला लगे के साथ वैसे भी आप जा सकते हो क्योंकि आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं ठीक है तो वेला लगे भी एक अच्छा ऑप्शन है रजीता भी यहाँ पूरे ओवर डालेंगे लेकिन मैं रजीता को उतना प्रेफरेंस यहाँ नहीं दूंगी दोनों टीमों की गाइज अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए तो आपस में देखो यहाँ पर एक मैच खेला है जिसमें से इंडिया ने छानवे मैच जीता है श्रीलंका ने फिफ्टी मैच जीता है अगर आप बात करोगे इतिहास की तो इंडिया हमेशा से भारी रही है श्रीलंका पर अगर रिसेंट कुछ मैच देखेंगे जो दोनों टीमों ने खेला था तो वहां कौन से ऐसे की प्लेयर हैं जो हर बार आमने सामने में परफॉर्म करते हैं तो लास्ट मैच में देखो जो खेला गया था रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया था विराट कोहली एक शतक जड़ा था और मैंने पहले ही बोला कि आप विराट कोहली शुभमन गिल को इस मैच में ड्रॉप नहीं करना सिराज को चार विकेट मिली थी कुलदीप यादव दो विकेट शमी दो विकेट तो और इसके अलावा सामने वाली टीम से देखो मैं फ्लॉप जैसा मैंने आपको बताया शनाका की बात करेंगे सनाका भी फ्लॉप रजिता ने तेरह रन बनाया था यहाँ पर और तीन विकेट भी लिया था रजिता ने ही अच्छा किया है बल्कि और एक और मैच देख लेते हैं यहाँ पर 2023 में सेकेंड ओडीआई खेला गया था बेला लगी ने 32 रन मारा था मेंडिस ने चौदह मारा था रजिता को यहाँ भी एक विकेट मिली थी डी सिल्वा को एक विकेट मिली थी सामने वाली टीम से के राहुल ने देखो अच्छा परफॉर्म किया चौंसठ रन हार्दिक पांड्या छत्तीस रन सिराज को मिली तीन विकेट कुलदीप तीन विकेट अक्षर पटेल एक विकेट सिराज को यहाँ भी तीन विकेट मिली है और यहाँ भी चार विकेट मिली है इसका मतलब है सिराज यहाँ पर की प्लेयर निकल के आ जाते देखो ये बात होती है जब आप कंपेयर करते हो ना जो दोनों टीम में आपस में जो मैच खेले हैं तब आपके की प्लेयर निकल के आते हैं जो हर बार आमने सामने में परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा कुलदीप को भी आप देख लो यहाँ भी तीन विकेट मिली है हाँ भी दो विकेट मिली तो सिराज कुलदीप बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया की तरफ से बॉलिंग अटैक में विनर कौन बनेगा तो आपको देख के तो पता चल ही होगा सपोर्ट ऑरेंज आर्मी को किया जा रहा है तो मेरा प्रडिक्शन साफ है इंडिया इस मैच को जीतने वाली है रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इंडिया अपने आखिरी जीती है चार मैच और वहीं श्रीलंका की बात करें पांच के पांचों मैच जीती है बैक टू बैक पांचों मैच लेकिन अगर आप पलड़े की बात करोगे तो श्रीलंका भारी है लेकिन आप प्लेयर्स परफॉर्मेंस टीम परफॉर्मेंस की जहां बात आती है वहां इंडिया अभी बहुत आ गया है तो इंडिया इस मैच को जीतेगी बाकी गाइस देखो ये तो रहा प्रेडिक्शन का बाद इस मैच की हमारी फाइनल टीम क्या रहने वाली है क्योंकि टीम परफॉर्म करेगी तो मजा आ जाएगा विकेट कीपर में देखो के एल राहुल मेन्डिस बैटिंग सेक्शन में रोहित शर्मा विराट कोहली शुभमन गिल ऑलराउंडर में डिसिल्वा हार्दिक पांड्या बॉलिंग सेक्शन में बुमराह, सिराज तीचणा पथराना यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है बुमराह के प्लेस पे आप कुलदीप यादव को ट्राई कर सकते हो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेंडिस के प्लेस पे आप यहाँ पर वेला लगे को ट्राई कर सकते हो एक मेरा ये ओपिनियन आपके पास जाता है कैप्टन की बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं सुमनगिर बीसी के लिए आप विराट कोहली के साथ जा सकते हो आप चाहो तो इसको वाइस एव वर्षा भी कर सकते हो ठीक है गाइजे आप देख लो बाकी मेरी फाइनल टीम अभी तो मैंने बेस्ट यही बनाई है तो स्क्रीन ले लो इतना कन्फर्म कह सकती हूँ मेरी सेम टीम के भी साथ जाओगे 60 से सेवेंटी परसेंट तक के कॉन्टेस्ट कंफर्म विनिंग होगी कंफर्म लिख सकते हो यहाँ विनी होनी कन्फर्म है इसके अलावा ग्रैंड लीग पे क्या रहने वाली है मेरे ग्रैंड लीग यूजर्स के लिए तो गई जो ग्रैंड लीग में जीतने के सपने देखते हैं उनके लिए मेरे पास रोहित शर्मा मेन्डिस पांड्या डिसवा गिल विराट जसप्रीत बुमराह और जैसा मैंने कहा आप कुलदीप यादव एक ऑप्शन है मेंडिस पे में मुझे थोड़ा डाउट है फिर भी मैंने टीम में रख लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ विकेट कीपिंग एक दो स्टंपिंग कैच आउट इस वजह से तो गाइज ये देखो मेरे मैंने आपको छः सात प्लेयर प्रोवाइड किए ये छः सात फिक्स प्लेयर होने वाले हैं जिनको आप ट्राई करना अपने हर एक टीम में रखने की इसके अलावा तीन से चार प्लेयर आपको शफल करने हैं जिसमें आपको वेले लगे ट्राई करना है डिसिल्वा जैसे हमने बता दिया और कैप्टन वाइज कैप्टन कोशिश करना है कि इसी में से ले रखना क्योंकि देखो इस सात में से चार से पांच खिलाड़ी इस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट दिलाने वाले हैं मैं 100% परसेंट श्योर बता सकती हूँ ठीक है तो इस तरह की चीजें करना है बाकी दिमाग अपना लगाना स्टैट्स जरूर देख के न, के बिना स्टैट्स टीम मत बनाना और जिस तरह बताया है कि यहाँ पर इंडिया पहले बॉलिंग आएगी तो किसके साथ जाना है बॉलर्स के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन आप जा सकते हो अगर इंडिया पहले बैटिंग आती है तो जो टीम मैंने दी है एकदम सेम टीम जाके चेप देना बाकी फाइनल टीम आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर गाइस तो ये फाइनली मेरे टेलीग्राम चैनल पे आती है लाइनअप के बाद जब प्लेइंग लेवन पता चल जाता है आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में तो फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो और आज का हमारा गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है इस मैच में कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको कन्फ्यूज करने वाले हैं लेकिन थोड़ा बैटिंग के साथ चले जाना आप इसके अलावा जैसा कि लास्ट मैच में अगर आपको याद होगा मैंने बोला था बॉलर वो कौन सा बॉलर होगा आप जाके मेरा वीडियो जरूर चेक करना सब कुछ बताया था मैंने इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट विकेट टेकर बॉलर कौन होने वाला है ठीक है सबसे ज्यादा विकेट यहाँ कौन निकाल के देने वाला दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट करना शुरू कर दो सिर्फ और सिर्फ हैशटैग जरूर लगा देना है आंसर के साथ इंडिया वर्सेज श्रीलंका आई होप सो so आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो आज के लिए बस इतना ही हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच के पूरे प्रडिक्शन के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना लेकिन सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बताने वीडियो कैसी लगी इसके साथ ही साथ आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो